एक फैक्टर देखो, जरा समझना उसका एंगल। एक इसकी जो जरूरत है डिस्क्रिप्टिव पार्ट के, डिस्क्रिप्टिव मीन्स रिटन पार्ट, जहां पे अभी तक देखो ऑब्जेक्टिव बच्चों को क्या होता है कि उनको किसी का लिखा हुआ, चाहे वो क्लोजेस्ट हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, कॉमन एरर हो, इंप्रूवमेंट हो, चाहे जो भी सेक्शन हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, कुछ भी हो, उनको वो चीज में जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये कि उस एंगल से, जिस एंगल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप बातों को समझ लेते हो या नहीं। एक फैक्टर रिटनिंग के पार्ट में, जो आपका एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो स्कूल का स्कूल एग्जामिनेशन हो या स्कूल वाले एग्जामिनेशन को तो फिलहाल हटाए हैं अभी हम लोग, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है एमसीक्यू वाला, इसमें आपके पास जो स्किल चाहिए होता है वो होता है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी काम कर रही है, वो जिस भी एंगल से लिख के दिया है आप उस पे वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं। अब एक फैक्टर याद रखो, जरा सोचना कि लैंग्वेज के साथ, अभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट या डिस्टिंक्ट टाइप की क्वालिटी ये है कि आप जो करना चाहोगे सिर्फ वही चीज डेवलप होगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप जैसे एग्जाम्पल लो वोकैबुलरी की, वर्ड पार की, आप अगर एसएससी के एस्पिरेंट हो तो आप शायद वर्ड मीनिंग याद करते होगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया, मतलब हम लोग बनाने के समय में वर्ड का मीनिंग बता देते थे, आप इस वर्ड का ये मीनिंग है। बट कभी भी वो सेल्फ आप कभी उसको अपने राइटिंग पार्ट में यूज नहीं कर पाओगे। कोई मीनिंग पूछेगा आप बता दोगे, बट उसको कभी लिखने की बात हो कि हम अपने सेंटेंसेस में उन उस शब्दों को, जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट शब्द हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकें, तो वो कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि लफड़ा यह है कि आपने उन शब्दों को याद किया है मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास अभी भी बहुत सारे शब्द याद होंगे, लेकिन मैं आपको अगर कुछ लिखने के लिए दूं ना, भले ही अगर आप लिख रहे हो, तो उनमें से 99% शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। हम जो बचपन से शब्दों को याद किए हुए हैं, उन्हीं शब्दों से हम अपना काम चलाते हैं। ये फैक्ट है, और ये शायद आप में से सब लोग इस बात को रियलाइज करते होंगे। एक फैक्टर। दूसरा, आप रिटन में, मतलब रीडिंग में, चाहे कितने भी स्किल्ड हो, आप में से बहुत सारे लोग काफी अच्छा बना रहे हो क्वेश्चंस, आप चाहे कुछ भी, योर नेम प्लीज, B60JKY, योर नेम, ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता ना, B60JKY तो नहीं बोल सकता, तो अपना नाम बता देना भाई। हर्ष, गुड मॉर्निंग। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा आप रियलाइज करना, कलामुद्दीन, प्रणाम भाई, आप में से बहुत सारे लोग नए हो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। विनोद, चलिए ठीक है, विनोद थोड़ा नाम बदल दे भाई, ऐसे में चेंज कर लेता। हाँ चलिए, वरुण, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट और प्रोबेबली फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उसको लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूं। आप स्पोकन का पार्ट लो, स्पोकन का पार्ट, हम में से बहुत सारे लोगों को पढ़ने, ओके छोड़ दो, विनोद छोड़ दो, आप दिमाग में रखूंगा,
हम में से बहुत सारे लोगों को खूब अच्छा पढ़ने आता है, बट मेरे को डाउट है कि आर दे दैट मच कंफर्टेबल इन स्पोकन एज वेल, कि क्या वो बोलने में भी उतना ही कंफर्टेबल है, क्या वो जितने अच्छे से फरहदेदार तरीके से हर्ष पढ़ लेते हैं, जूही पढ़ लेती है, भूपेंद्र, प्रिंस, सब लोग पढ़ लेता है, कलामुद्दीन सुनिएगा, क्या वो बोलने में भी उतने ही कंफर्टेबल हैं, दैट इफ इफ दे विश टू टॉक टू समबडी दे वुड कंटिन्यू टॉकिंग फॉर एज लॉन्ग एज दे विश टू, जितना लंबा चाहें, जितने देर बात करना चाहें, वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे को डाउट लगेगा कि आप में से कितने लोग इस बात को कहते होंगे, हाँ आई एम कंफर्टेबल। अगर वो इंग्लिश मीडियम के इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं तो, और अगर वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं तो दे वुड से नो, नहीं हो पाता है हमसे। उनके साथ क्या कंडीशन आता है कि मन में वो अगर बोलना चाहें तो खूब अच्छे से बोल पाते हैं, लेकिन अगर वो वोकलाइज करना चाहें, ऑडिबल शब्दों को बोलना चाहें, तो वो नहीं बोल पाते हैं। लॉट्स ऑफ हेजिटेशन क्रीप इन, हेजिटेशन आने लगता है, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मन में संड वा बात है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अब अगर ये आप दोनों एग्री करते हो कि वोकैब आपको याद होगा, वर्ड पार आपको याद होगा, लेकिन आप रिटन में यूज नहीं कर पाते हो, स्पोकन आप बोल नहीं पाते हो, तो सेम चीज यूज होता है रिटन में, कि हमको पढ़ने आता है, हमें लिखने नहीं आता। हमको लिखने के लिए दे दो तो मेरा पेन शांत हो जाएगा, मेरा पेन शांत हो जाएगा, नहीं लिख पाएंगे। अब अगर ये सिचुएशन भी है तो याद रखिएगा, इसका एग्जामिनेशन सेकेंड स्टेज में आपका होगा और होता है, आपसे एसेज, प्रेसी कुछ जगहों पे, लेटर लिखने को आपको देगा सेकेंड फेज में, और वो चाहे एनआरई मतलब सीईटी भी लागू हो जाए तो भी रिटन पार्ट कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपके पास अगर स्पोकन नहीं है तो, चूंकि अभी इंटरव्यू, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रहते तो इस चीज को डेवलप करना आपकी बहुत जरूरत होती, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो शायद अब इंटरव्यू इंग्लिश में आपके पास अलाउड है कि आप हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, तो शायद स्पोकन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट रिटन की जरूरत को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब अगर ये होता है कि आपका रिटन का सेकेंड स्टेज में टेस्ट होगा, तो व्हाट विल हैपन दैट, बच्चों को पता है, एसएससी वाले बच्चों को, कि उनको उनसे एक लेटर पूछेगा, एक ऐसे पूछेगा, तो वो क्या करेंगे कि लेटर का कुछ फॉर्मेट समझ लेंगे कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, और मेन बॉडी को छोड़ देंगे, फॉर्मेट को, फॉर्मेट याद कर लिए, लेटर हो गया, और एसेज वो सोचते हैं कि करंट टॉपिक के कुछ सेंटेंस, कुछ एसेज हम याद कर लें, याद कर लें, और अगर एग्जामिनेशन में लड़ गया तो उसको रिप्रोड्यूस कर देंगे याद की क्रैम्ड चीजों को, अदरवाइज अदरवाइज दे विल स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करेंगे। जबकि हालत ये है, अच्छा आप में से जितने सारे लोगों को मैंने ये सिचुएशन बोला, आप में से कितने सारे लोग इस पे एग्री कर रहे हो, मैं ये जानना चाहूंगा। विनोद है, कलामुद्दीन है, सब कोई, हर्ष है, जूही है, भूपेंद्र है, सब लोग हैं, प्रिंस है, एवरीबॉडी इज देयर, कितने लोग एग्री कर रहे हो सतीश कि ये सिचुएशन है और इसका काट हम कैसे सोचे हैं कि रट लेते हैं, ऐसे को रट लेते हैं। द फैक्ट इज देयर कि अगर वो ऐसे लड़ा नहीं जो आपने रटा है, कुछ आपने अगर जो ऐसे जो याद किया है, अगर वो लड़ा नहीं, लड़ा नहीं मतलब जो आपने याद किया वो नहीं आया, तो फिर व्हाट विल हैपन दैट यू विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग। यस मनीष, आप स्ट्रगल करना शुरू करोगे, तो फिर एक फैक्टर है कि आपको ये चीज डेवलप तो करनी होगी ना, क्योंकि इसका टेस्ट होना है,
कलाम ये सही है कि आपका इसका एग्जामिनेशन में जॉब के जस्ट पहले वाला टेस्ट इसी का है, और आप जिसके लिए जो आपके कंपटीशन का सेकंड स्टेज है आप प्रिंस सेमचिन आप जो ही, तो थोड़ा सा बहुत आसान रहेगा, हम लोग कवर अप कर लेंगे। अब आप एक बात जानना कि अगर ये सेकेंड स्टेज का टेस्ट है तो सेकेंड स्टेज क्या हम जिसके मार्क्स आपके फाइनल स्कोरिंग में जुड़ते हैं, तो फिर वो इसकी तैयारी ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? आप उसके रिटन पार्ट का, जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट का, आप कितने साल आप तैयारी करते हो? कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 1.5 साल, और रिटन पार्ट के लिए हम 2 महीने 1 महीने भी तैयारी नहीं करते, जबकि वो एक कंप्लीट स्टेज है, परीक्षा का स्टेज है, जहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा, जिसके मार्क्स आपसे आपको जुड़ेंगे। तो अगर ये समझद, यस ये समझद, तो अगर वो चीजें आपके पास एग्जामिनेशन में जुड़ रही हैं तो फिर उसका हाफ हार्टेड तैयारी तो नहीं हो सकता ना। इसके लिए तो कंप्लीट तैयारी करनी होगी, और तैयारी किसी करनी होगी, ऐसे लिखने की नहीं, ध्यान रखना, लेटर लिखने की नहीं, लिखने की तैयारी करनी होगी। तुम्हें लिखने आएगा तो तुम कुछ भी लिख लोगे, ये नहीं है कि हमको लेटर राइटिंग की तैयारी करनी है, तुम्हें राइटिंग की स्किल डेवलप करनी होगी। एंड हमें ये समझना होगा कि व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय राइटिंग, राइटिंग का मतलब क्या होता है, ये समझना है। अच्छी राइटिंग का मतलब क्या होता है, अच्छी राइटिंग का थॉट क्या है, ये चीजें समझनी है। क्योंकि याद रखिएगा कि एक बात आप समझिए, मैं आपको इसका असर दिखाता हूं। अगर आप शुद्ध लिखते हो, हर्ष एक बात जानना बहुत क्लियर, अगर आपको शुद्ध लिखने आता है तो कॉमन एरर में कभी भी अशुद्धता आपको देखते खटक जाएगी, खटक जाएगी। लड़के को चूंकि लिखने नहीं आता है, इसीलिए उससे कॉमन एरर के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एक बात जानो, वो सारा ग्रामर का रूल पढ़ ले, लेकिन जब वो बनाना शुरू करता है ना, तो वो रूल दिखाई नहीं पड़ते, कारण उसके राइटिंग में वो रूल्स नहीं आ पाए हैं। और आपको याद होगा कि मैंने कभी आप लोगों को पढ़ाने के बीच में बोला था, रूल्स जब मैं पढ़ा रहा था, कि इससे कुछ सेंटेंसेस बना के आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आप नॉट ओनली का इन्वर्सन वाला रूल अगर आपको थ्योरी में याद है, अगर आप उसको प्रैक्टिस में डाल दिए होते, लिखने आता, तो कहीं भी इन्वर्सन करेगा तो वो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि हाँ इन्वर्सन नहीं किया हुआ है, गड़बड़ किया हुआ है। दैट इज वाई अगर वो सारे रूल्स आपके राइटिंग में आ जाएं, सारे रूल्स आपके राइटिंग में आ जाए, तो व्हाट विल हैपन कि फिर वो रूल आपके दिमाग से निकलेंगे ही नहीं, और कभी भी एरर देगा ना तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जरा समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इनोवेटिव है। आप एक काम करो, जैसे मैं देखो एक चीज मैं बताऊं, हम लोग अपने को सुंदर दिखाने के लिए, सॉरी टू से, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, चेहरे का ध्यान रखते हैं, कपड़ा अच्छा पहनते हैं, शूज को अगर अगर वो पॉलिश करने वाला है तो पक्का पॉलिश करते हैं, फॉर्मल कपड़ा है, क्योंकि लुक अच्छा आना चाहिए। तो एग्जामिनेशन में आपको अगर लुक अच्छा आए, और एक साथ आपके कैरियर की बात हो रही है, पूरे जॉब की बात हो रही है, अगर उसके लिए मेरे को 2 दिन प्रोनाउन को देना हो, मैंने प्रोनाउन पढ़ लिया, मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने प्रोनाउन पढ़ लिया, मेरे को सारे रूल्स समझ में आ गए। अब एक दिन, 1 या 2 दिन में क्या करूंगा कि सारे रूल्स जो मुझे पढ़ाए गए हैं, जो मैंने समझ लिया है, अब मैं क्या करूंगा उसको कि उन सारे रूल्स को मैं अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके लिख लूंगा, चाहे वो प्रोनाउन का एग्री करना हो, चाहे उसका पजेसिव फॉर्म हो, कैसे यूज करते हैं, सारे को मैं इस्तेमाल करके 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस बना लूंगा। और अगर दो दो तीन तीन सेंटेंस आप एक एक रूल पे अपने मन से बना लो सही, तो वन थिंग बी देयर कि ये रूल तो कभी भूलेगा ही नहीं ना, कभी नहीं भूलेगा।
तो अगर ये सारे चाहे टेंस के रूल हों, प्रोनाउन के हों, एडजेक्टिव के हों, डिग्री डिटरमाइनर्स, अगर मैं सारे रूल्स को एक बार देख लेता हूं तो रिटन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा अपने साथ साथ और सारे रूल्स मेरे कंफर्म हो जाएंगे। जो बच्चे परेशान रहते हैं कि रूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर एट द सेम टाइम अभी से हम लोगों ने जो काम शुरू किया है अब राइटिंग का पार्ट है, हम लोग को लिखना है। अब एक चीज कि इस पार्ट में मैं तुमको बताऊं, समझना तुम, ये दो पार्ट ऐसा है, एक स्पोकन और एक रिटन, दो पार्ट ऐसा है। इट इज समथिंग लाइक एन आर्ट, मेरा आप अपना कंसेप्ट एज ए स्टूडेंट, ये आर्ट है और कला जब होती है, कोई भी आर्ट होता है, उसकी कोई थियरीज नहीं होती, उसके कुछ बेसिक्स होते हैं, थियरीज नहीं होती। बेसिक्स मतलब कि आपको ये कलर इसके साथ नहीं, जैसे मान लो कि पेंटिंग की बात हो रही है, कलर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, बट दैट इज बेसिक्स। अब अगर आर्ट है तो उसके लिए आप कहीं पे कोई थियरी मत खोजो, नंबर वन। नंबर टू कि ये आपके जुनून पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितना डेवलप कर रहे हो। देखो हर्ष, ध्यान देना, गाते हम लोग भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे गायक हैं अभी इंडस्ट्रीज में, शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, गाते वो लोग भी हैं। हम लोगों ने इंटरटेनमेंट के लिए गाना लिया, उन्होंने उसको आर्ट के तौर पे लिया और उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि दैट बिकम सबलाइम, वो एकदम हेवनली हो जाता है। ऐसा लगता है देव सुन के उनको कि ये खुदा की नेमत है उनके ऊपर। उन्होंने उस कला को, उन्होंने उसको सिंगिंग नहीं लिया, उन्होंने उसको कला के तौर पे ले लिया। सेम वे ये पार्ट है। तुम देखो एक राइटिंग हम लोग करते हैं, अमजद ध्यान देना, एक राइटिंग हम लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। एक राइटिंग तुम जरा ध्यान दो कि न्यूज़पेपर का एडिटर करता है, क्या वो सारे वर्ड्स भारी लिखता है? सारा वर्ड अननोनली यूज करता है वो शुरू से लेके अंत तक? ऑक्सिलरी वर्ब कैसे अननोन होगा, डिटरमाइनर, प्रोनाउन, ये कैसे अननोन होगा? बट वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स देखो, थॉट का प्रेजेंटेशन देखो, शब्द का यूज देखो, वो कैसे करते हैं। अब हम उसमें से जो फिजिकल चीजें होती है ना, कभी हम अपने आप को कंपेयर करें, जो इस बात को ध्यान दीजिएगा हर्ष, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि कभी भी एक लड़का अगर कोई रिटन सीखना चाहता है ना, तो वो सबसे पहले किस बात को लेकर परेशान होता है कि वो भारी भारी शब्द उसके पास नहीं है, वो इस बात को लेकर परेशान होता है। भूपेंद्र यार देखिएगा, तुम लोग भी होते होगे, कभी न्यूज पर के एडिटोरियल को पढ़ो, तुम इंजॉय क्या करते हो मेरे को डाउट है, लेकिन तुम जिस बात को लेके इंप्रेस होते हो वो ये कि वो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बट मेरा अपना ओपिनियन ये है कि सारे डिफिकल्ट शब्द नहीं होते वहां पे, और हमको क्या, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं एक राइटर का नाम मैं भूल रहा हूं, फॉर मी वो 17th सेंचुरी के राइटर हैं, इंग्लिश के 17th सेंचुरी, 1600 कुछ में उन्होंने लिखना शुरू किया था। उनके कुछ एसेज हैं और उनके उस बुक में सिंपल सिंपल कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। पूरे पेज में अगर तुम नहीं, जो ही मैंने कहा 17th सेंचुरी, 1600 कुछ में, मैं आई एम सॉरी, मेरे को तैयार होकर आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों से बात करनी है तो मैं उनको, उनका नाम मैं कल आपको बता दूंगा। खुशवंत सिंह तो अभी थे ना, अभी तो वो 1900 कुछ में थे ना वो, तो उनके अगर बुक में तुम देखो तो एक किताब में अगर तुम भारी शब्दों को, जिसको तुम डिफिकल्ट शब्द बोलते हो, उनके जो शब्द हैं तुमको कुल मिलाकर 10 उनके पूरे बुक में शब्द मिलेंगे भारी। लेकिन मजाल है कि एक पेज भी कोई पढ़ के ठीक से समझ ले, एक लाइन भी जिसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है लेकिन समझ में नहीं आना है। और उनका यह ओपिनियन था कि अपने कॉम्प्लेक्स थॉट को इजी शब्दों में व्यक्त करना दुनिया का सबसे टफ काम है। उनके एसेज हैं,
एसे ऑन हैप्पीनेस, एसे ऑन दिस। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे टफ काम है, उन्होंने कहा कि जैसे थॉट कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, हमारे सेंटेंस का लेंथ सब लंबा लंबा होने लगता है। एंड ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिश इन इंग्लिश फॉर मॉडर्न इंग्लिश। उनको मॉडर्न इंग्लिश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट कहा जाता है। मैं ये बोल रहा हूं कि तुमसे एक्सपेक्टेशन एक ये किसी का नहीं है, न मेरा नहीं है, एग्जामिनर का नहीं है, किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम डिफिकल्ट डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल करो। हाँ, तुम्हारे पास होगी, वो आने लगेगा। तुमसे इंप्रेसिव राइटिंग की बात की जाती है, तुमसे डिफिकल्ट शब्दों के का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तुमसे एग्जामिनेशन पास करने के लिए, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं एग्जामिनर क्या कंसेप्ट बता रहा हूं, कि अगर मैं एग्जामिनर हूं तो लड़के से मैं क्या क्या डिमांड करूंगा। मैं उसका कॉपी अगर पढ़ूंगा, क्योंकि ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव को चेक करने के लिए नॉन ह्यूमन मशीनरी बना हुआ है। आपका कंप्यूटर में है वो ऑलरेडी, वो आपने सबमिट किया ऑलरेडी, प्लस माइनस करके वो निकाल देगा नॉन ह्यूमन। लेकिन अभी तक डिस्क्रिप्टिव को चेक करने का नॉन ह्यूमन मशीनरी नहीं है, उसको कोई पढ़ेगा ही, पढ़ेगा ही। और पढ़ेगा तो वो क्या क्या देखता है एग्जामिनर, ये ध्यान रखना। वो जानना चाहता है कि क्या तुम टू द पॉइंट, जो बात मैंने पूछी है, तुमने लिखा है या नहीं लिखा है। पहली चीज, टू द पॉइंट, जो टॉपिक मैंने दिया है उस टॉपिक को तुमने एक्सप्लेन किया है या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, तुम्हारे एक्सप्रेशन का में एग्जैक्टनेस है कि नहीं। मैं इसको समझा रहा हूं कि तुम जो बोलना चाहते हो, तुम्हारी सेंटेंस, तुम्हारे तुम्हारे वाक्य, वो बात एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मन में, अगर अगर मान लो कि कुछ बहुत इमोशनल बात मैं बोल रहा हूं, पेन से लिख रहा हूं, पेन में शब्द में इमोशन कहां से आएंगे। स्पोकन में तो होता है ना, मुंह नाक चढ़ा लिए, सीरियस कर लिए, वॉइस का मॉड्यूलेशन कभी अप कभी डाउन, कभी धीमे, कभी हमने बोल लिया। लेकिन जब लिखना है तो वो चीज एग्जामिनर को या पढ़ने वाले के पास एग्जैक्टली एक्सप्रेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एंड थर्ड, कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं। और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या, वही कॉमन एरर जो हम पढ़े थे, वो कॉमन एरर यहां पर तो होगा, नहीं हो रहा है। वही रूल्स सही से वहां पे यूज हो पा रहे हैं कि नहीं। बस एग्जामिनर या एक स्टूडेंट से, जब तक वो कोई ऐसा करियर नहीं चुनता है जिसमें रिटन को, रिटन ही उसके जॉब का बेस बने, जैसे तुम अभी देखो लॉ में वकील लोगों को रिटन का लेवल बहुत ऊंचा चाहिए, न्यूज़पेपर के या फिर मीडिया के जो लोग होते हैं उनका लैंग्वेज का लेवल ऊंचा चाहिए, उनके लिए शब्दों का सिलेक्शन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये सारे मैटर करते हैं। और वो तुम, मंसूर गुड मॉर्निंग भाई, वो तुम जो भी करोगे कि मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर हो, मेरे पास शब्दों का सिलेक्शन बहुत अच्छा हो, ये सेकेंड स्टेज की चीज है, ये स्पेशलाइजेशन की चीज है। तुमसे इतने ही जरूरत है, थॉट टू द पॉइंट हो, एग्जैक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैं टू द पॉइंट का एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं धीरे धीरे इनको सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन टू वन। सो आपके पास ये एक ऐसा पार्ट है कि मैंने जिस इनको कहा ना कि दे आर आर्ट। अब इस आर्ट के लिए ध्यान से सुनना, तुम में से सब लोग जो अभी सुन रहे हो मेरे को, ये बात ध्यान रखना, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। हर्ष बोध गया, मैं कभी, अभी तो बहुत दिन हो गया गए हुए, कभी जाता हूं तो वहां पे ऑटो वाले को मैं अंग्रेजी बोलते हुए देख लेते देखता हूं,
वहां मैं टैक्सी चलाने वाले को अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते हुए देखता हूं। जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है जहां पे फॉरेन कंट्री से टूरिस्ट आते हैं, वहां पे जो दुकान वाला है अनपढ़ है, अनपढ़ है, ध्यान रखना, टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, वो सारे लोग अनपढ़ हैं, उनको मैं अंग्रेजी बोलते हुए देखता हूं। और ये तुमने भी देखा होगा, तुमने भी ये देखा होगा कि अगर तुम मॉल में जाते हो किसी बड़े दुकान में, देर आर पीपल, तुम होटल में जाते हो, देर आर पीपल हु आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। कुणाल ने कहा कि नालंदा में रिक्शा वाला बोल लेता है, अब उसको, कुणाल एक चीज मैं बोलूं, उसको एक क्लोजेस्ट बनवा लिया जाए, क्योंकि वो स्पोकन जानता है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कंफर्टेबली नहीं बोलते होंगे प्रिंस, हम में से बहुत सारे लोग कंफर्टेबली अंग्रेजी नहीं बोल पाते होंगे, और रिक्शा वाला बोल लेता है तो हमसे क्लोजेस्ट बन जाता है, उनसे बनवा के देख लिया जाए। नहीं बना पाएंगे। और ये बात वरुण अगर वो दिखाई पड़ी है तो ये बात तुम्हारे को समझाने के लिए है कि ये एक आर्ट है, इसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम लिखना चाहो, चाहे तुम बोलना चाहो, कला है, प्रैक्टिस शुरू करो, सब चीजें आने लगेंगी। तुमको याद है, तुम में से बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी, ध्यान रखना अब हर्ष, तुमने भी, मैंने भी अपने लाइफ में कभी गिटार बजाते हुए लोगों को देख के बड़ा इंप्रेसिव लगता था, नहीं लगता था कि कितना अच्छा बजा रहा है, ऐसे पकड़ के एकदम गाना वाना निकाल लेता है। हम लोग भी शौक से गिटार विटार ले आए, बांसुरी गांव में खरीदे थे, आप गांव में नहीं, मैं शहर में भी संडे वनडे को बेचता था, खूब सुंदर सिनेमा का गाना बजाता था, हम लोग भी बांसुरी के लिए खरीद लिए। और उसके बाद जैसे जैसे वो उंगली घुमाता था ना, मैंने जो किया है, तुम लोग किए हो कि नहीं किए हो, वो जैसे जैसे अपने वो सारे वो जो होल्स होते हैं ना उसमें जो उंगली घुमाता था, हम लोग भी वैसे उंगली घुमा के और फूंकते थे कि वैसे ही गाना बजेगा। माँ थी ना, दो चार थप्पड़ मार देती, दिन भर पे 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 किए रहता है। हमको पिटाई पड़ती थी उनको, उनसे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको नहीं, कभी नहीं बजा पाए, बजा भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये कला है ना, आपको वो समझनी होगी, आपको उसका एक थोड़ा सा बेसिक जानना होगा, एंड कीप ऑन हैविंग द प्रैक्टिस। यही चीज मंसूर, जो ही तुम सब लोगों को मैं बताऊं कि यही चीज अपने दिमाग में रखो कि ये एक कला है, तुम शुरू करो। पहले दिन बहुत खराब आवाज निकलेगी, अगर आप लोगों ने आज तक रिटन का प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो पहले दिन फूंकोगे ना तो बहुत खाली पे टे आवाज निकलेगा, ये श्योर रहो। हड़बड़ाना मत, ये फर्स्ट डे है। आवाज तो निकलेगी उल्टी, हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, हम लोगों को करना है, बातों को लेकिन समझना पड़ेगा। तुम आज से अगर लग जाओ ना स्पोकन सीखने को, तो इतनी सारी चीजें तुम लोग जानते हो इंग्लिश में कि स्पोकन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट व्हाट विल हैपन कि लग जाए तब ना, शुरुआत में लोग हंसेंगे कि पे 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 कर रहा है। हाँ, हर्ष को आता है, यस मंसूर, पे 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 कर रहा है, लोग हंसेंगे, लेकिन जिस दिन गाना निकलना शुरू होगा ना, दे विल बी द फर्स्ट टू अप्रिसिएट, वो पहले होंगे अप्रिसिएट करने के लिए। ये चीज याद रखिए। और ये ऐसा है ना इसमें रिटेन कि ये आ जाए तो सारे जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो ऑब्जेक्टिव के, वो सारा ऑब्जेक्टिव का स्ट्रगल यहां खत्म कर देगा। सो रिमेंबर वन थिंग कि शायद आपको ये स्टार्ट करना होगा। और ध्यान रखिए, अगर हर्ष हम लोग अभी क्या करते हैं कि अगर कोई गाना गा रहा है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ही अभी मेरा वो मूड बड़ा अच्छा बना हुआ है, सुनना। अगर कभी सोनू निगम का या अपना, अभी आजकल तो ये है ना, बड़ा अच्छा अच्छा गायक सब आ गया है, अगर वो गाना गा रहा है,
तुम उस गाने को थोड़ा तेज कर दो और तुम भी गाओ साथ में, तो तुमको भी पता नहीं मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि तुम बड़ा अच्छा गा रहे हो। हाँ जुबिन नौटियाल, यस कलाम, मेरा मेरे को उसी उसी का नाम थोड़ा सा मिस कर रहा था मैं। जुबिन, जुबिन नौटियाल इतना अच्छा गाता है, अगर तुम गाने को थोड़ा तेज करके और तुम भी गाओ ना, तो तुमको मिसकंसेप्शन तुरंत हो जाएगा कि यार मैं भी बहुत अच्छा गा रहा हूं, क्योंकि तुम गा कहां रहे हो। तुम तो सब सब लोगों का अपना अपना फेवरेट है प्रिंस, वो गा नहीं रहे हो, वो जो चिल्ला रहा है ना, वो जो गाना गा रहे हैं उसमें हम चिल्लाते रहते हैं, और चूंकि वहां का साउंड अप है तो हमारी वो गर्दभ स्वर जो होता है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, गधे की तरह आवाज निकलती है, वो पता नहीं चलता। हाँ उसका आवाज बंद कर दो अरिजीत सिंह का, और अब गाना शुरू करो, लोग मारना शुरू कर देंगे, पिटाई लगाना शुरू कर देंगे, क्या चिल्ला रहा है, चुप रहा। द प्रॉब्लम इज, इसको मैं क्यों एग्जाम्पल में डाल रहा हूं, इसका कारण है, इसका कारण है जो ही कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब रिटर्न की बात आती है, रिटर्न की जब बात आती है, हम किसी अच्छे राइटर का, चाहे न्यूज़पेपर का चाहे किसी का लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, और उसी बात को आगे पीछे करके उतार लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा रिटर्न है। शायद आप में से कुछ लोगों ने कोशिश की हो तो सबसे पहले एक इंस्पिरेशन रखते हैं, इस टॉपिक को लिखना है, अब वो न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल काटेंगे या रखेंगे, पढ़ेंगे और उसी बात को लिखेंगे, और अगर ध्यान से देखो तो पेन इंक कॉपी तुम्हारी है, पेन इंक कॉपी तुम्हारी है, शब्द वहां के हैं। जैसे गाने में आवाज तुम्हारा था लेकिन उसके साथ साथ आप गा रहे थे, वो बंद कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आवाज में कितनी ताकत है। रिमेंबर वन थिंग, कंक्लूजन निकाल के रखिए कि अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो फिलहाल अभी के स्टेज में यू डू नॉट नीड एनी इंस्पिरेशन, तुम्हें इंस्पिरेशन नहीं लेना होगा। मैं अभी अगर बोलूं आपको कि करंट टॉपिक पे देता है, मान लो किस करंट टॉपिक पे तुमको आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए नहीं देना है, अभी हमें रिटर्न सीखना है जिनमें ये चीजें मेरे को आनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट स्टेज ये आना चाहिए, पहला स्टेज ये है, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तुम किसी भी टॉपिक पे, तुम्हारे को आइडिया नहीं है, तुम न्यूज़पेपर देखते हो, तुम चैनल्स पढ़ते देखते हो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चैनल्स देख रहे हो, तुम चीजों को फेसबुक पे देख रहे हो, सब चीजें, आइडियाज तो है ही है, आइडियाज तो हैं, लेकिन जब लिखना शुरू करेंगे, अभी आपको कंक्लूजन निकाल रहे हो हर्ष, वो सही है, वो सेम चीज, जब लिखना शुरू करेंगे तो हमको किसी अच्छे राइटर का लिखा हुआ पीस चाहिए होगा, बस हो गया पूरा का पूरा मामला खराब। वो तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तुम उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तुम उसकी चीजों को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, एंड दिस इज वेयर वी स्टार्ट फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग नो। तुमको छोटा सा 5 लाइन 10 लाइन का जितना भी तुमको मन करता है, पहले तुम शुद्ध लिखना तो शुरू करो, वो तुम्हारी बात, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे सेंटेंस होने चाहिए, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे सेंटेंस होने चाहिए, वो किसी वो जो काम करते हो ना, वो लेटर स्टेज की चीज है। जब तुम ये सारी चीजें डेवलप कर लोगे ना, ध्यान रखना ये सब चीजें डेवलप कर लोगे, उसके बाद वो चीजें तुमको उसको और पिन पॉइंट शार्पन अच्छा करने में मदद करती हैं। शुरुआती स्टेज में उसको कर लेंगे, सीधा वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वो लिखा हुआ चीज हमारे कॉपी में आ गया, रिप्रोडक्शन हो जाता है। तुम्हें अभी सेल्फ
बिना किसी चीज के साइकिल चलानी है, सीखना है बिना किसी के हेल्प के। गलतियां होंगी, इधर उधर गड़बड़ाएगा, उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूं कि हमें सीखना है। बट याद रखना, इस बात को दिमाग में आने देना, जब तुमको लगे ना कि पेन नहीं चल रहा है तो दिमाग में आने देना कि जब तक नहीं चलाओगे ना तब तक चलेगा नहीं। चलाओ, लिखो जो लिखना है, अटपट जो कुछ भी लिखना है लिखो, कोई टेंशन नहीं है। शब्दों के स्टैंडर्ड पे ध्यान मत देना। अभी तुम्हारे पास, ध्यान रखिएगा, शब्दों के स्टैंडर्ड पे ध्यान मत देना कि शब्द बहुत इंप्रेसिव इंप्रेसिव निकल रहे हैं, अभी नहीं निकलेगा। अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, शब्दों का सिलेक्शन, इंप्रेसिव राइटिंग, अभी ये सब सेकेंड स्टेज की चीज है। फर्स्ट स्टेज में लड़के को ये सब काम नहीं करनी है। अभी उसके पास क्या चाहिए? फ्लो चाहिए, फ्लो। और ये चीजें जो मैंने कही ना कि फ्लो आए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हो आपके रिटन में, फ्लो, फ्लो का मतलब तुम लिख रहे हो, बातें लिखा रही हैं, एग्जामिनर को पढ़ने के समय भी अटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। अब एक बात समझना, इन चीजों को दिमाग में रखना कि टू द पॉइंट होना, और वो चीज मैं अभी बता रहा हूं। एक्यूरेसी का मतलब क्या? क्वेश्चन ये है, क्योंकि तुम्हारे लिए एज ए स्टूडेंट सबसे जरूरी है इसको अभी डेवलप करना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिटन की, रिटन में एक्यूरेट होना, तुम्हारा सॉरी मतलब एरर नहीं हो ग्रामर का। एरर जो भी होता है ना, सब छोटा छोटा होता है, कभी एस छूट जाता है भर्ब के साथ, कभी सिंगुलर के साथ उधर पुल्लिंग लग जाएगा, मतलब बड़े वाले एरर्स नहीं होते हैं। कभी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएगा, कभी एडजेक्टिव रखना है नाउन हो जाएगा, वो सारा एरर होता है जो कॉमन एरर में तुमको बनाने के लिए देता है, वही एरर हमारे रिटन में होता है। इसलिए एक काम करोगे, पहले लिखो फर्स्ट स्टेज राइट, और जब लिख रहे हो ना तो याद रखना, चूंकि तुम पहली बार में काम कर रहे हो तो शायद आप में से एक आध लोग, आप में से जो लोग बोलना जानते हैं या कोशिश करते हैं, उनको एक चीज समझ में आई होगी कि जब फर्स्ट टाइम में आपने बोलना शुरू किया था ना, एकदम माइंड ब्लैंक होता है, पता ही नहीं चलता, हमको खुद नहीं सुनाई पड़ता हम क्या बोल रहे हैं, रह रहा के सेंटेंस गायब हो जाएगा, बातें नहीं समझ में आएंगी कि हम जो मैं बोल रहा हूं, कभी अभी क्या बोलना है वो नहीं समझ में आएगा, कभी माइंड ब्लैंक हो जाएगा, और गलती बोल रहे हैं खुद नहीं सुनाई पड़ता, गलती बोल रहे हैं सामने वाले को सुनाई पड़ रहा है कि बहुत खराब बोल रहा है, लेकिन खुद को नहीं सुनाई पड़ता वो बोल रहा है। ये क्या होता है कि तुम अपने आप को इनिशियल स्टेज में, तुमने प्रैक्टिस नया काम शुरू किया है, अब तुम्हें संभालनी है चार पांच चीजें, चार पांच चीजें संभालनी है, ग्रामर की एक्यूरेसी करना है, एग्जैक्टनेस करना है, सेंटेंस भी अच्छा होना चाहिए, इत्यादि बहुत सारा चीज, और तुम्हारे को प्रैक्टिस नहीं है तो क्या होगा ना कि वो सारी चीजें हो जाएंगी गड़बड़ गड़बड़, एक्यूरेसी भी खराब होगा, सब चीज इधर उधर हो जाएगा। अब इस समय में पहले स्टेज में तुम्हें ये काम करने की कोशिश नहीं करनी है। पहले स्टेज में तुम्हें क्या करना है कि अपने थॉट का फ्लो, क्योंकि तुमको राइटिंग का अगर तुमने प्रैक्टिस किया है ना, तो एक चीज होता है कि जब तुम सेंटेंस पे ध्यान दो तो दिमाग से थॉट गायब हो जाएगा, और थॉट पे अगर ध्यान रहे तो क्या लिखना है पेन रुक जाएगा। शायद आप में से अगर किसी ने प्रैक्टिस किया हो तो ये चीज वो झेला है कि जब वो दिमाग में उसके विचार घूम रहे हैं, दिमाग में विचार घूम रहे हैं तो सेंटेंस में इधर में गड़बड़ी हो रही है, एरर हो रहा है, और अगर उसने सोच लिया कि मेरे को एरर रोकना है तो दिमाग से थॉट गायब हो जाएगा, चार पांच आठ सेंटेंस के बाद पता ही नहीं चलेगा कि लिखना क्या है, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। अगर ये होता है तो इसके सुलझाने का एक उपाय है कि शुरुआती स्टेज में तुम्हें मंसूर, ये ध्यान रखेगा, शुरुआती स्टेज में तुम्हें अपने को सिर्फ थॉट पे कंसंट्रेट करना है,
सिर्फ थॉट पे, जुही सिर्फ थॉट पे कंसंट्रेट करो। नहीं हर्ष अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, मैं उसी का जो चीज चाहिए होगा ना, कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, पेन निकालो, टॉपिक देखे, हाँ ये मेरे को आता है, पेन उठाए, लिखना शुरू कर दिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, उसी का, उसी के लिए मैं आपको एक काम करा रहा हूं। शुरुआती स्टेज में दिमाग में ये बना लो कि क्या क्या थॉट मेरे को लिखना है, नहीं लगता है तो पॉइंट बना लो, ये पांच छह थॉट लिखने हैं, चार चार पांच पांच वर्ड का पॉइंट बना लो, और जब लिख रहे हो तो अभी एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल करेक्टनेस का ध्यान मत रखो, अंधाधुंध लिखो, वो थॉट को सारे को प्रेजेंट करने की कोशिश करो, सारा प्रेजेंट हो जाए, जब तुमको लगे कि दिमाग में जो थॉट था वो मैंने लिख दिया, चाहे वो 10 लाइन में जाए, चाहे वो एक पेज में जाए, चाहे डेढ़ पेज में जाए, नो प्रॉब्लम, लिख लो। सेकेंड स्टेज में इसको, इसी को खुद पढ़ो, खुद एक-एक लाइन पढ़ो, और उस समय में थॉट को मत पढ़ो, उस समय में ग्रामर को पढ़ो। पहले खुद ही करेक्शन करो, खुद करेक्शन करो, हो जाएगा, मिलने लगेगा, करेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि रूल्स तो तुमको पता है, मिलने लगेगा। जब ये तुम करना शुरू करोगे ना, तो याद रखना कि ये साइकोलॉजिकली तुम अपनी गलतियों को खुद रियलाइज कर रहे हो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद तुमको खुद ब खुद तुम्हारा माइंड सेल्फ बोलना शुरू कर देगा कि यहां पे एरर हो रहा है, इज लगेगा कि आर लगेगा, माइंड कंसस हो जाएगा, माइंड कंसस हो जाएगा। लेकिन रिटर्न के पार्ट में पहले थॉट, क्योंकि जब अगर तुमने यही जो ही अगर यही देखा ना शुरुआत स्टेज में, तो ये गायब हो जाएगा। और तुमने ठीक कहा कि जब लिखना शुरू करते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि एरर हो गया है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। इसका एक ही उपाय है, रीड योर सेल्फ, तुम खुद उसको रीडिंग में डालो, खुद रीडिंग में डालो, रीडिंग में डाल लो, और रीडिंग में डालोगे ना तो एरर निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद एनालिसिस किसी से, अगर मुझे मुझसे कराना है तो व्हाट मैं आज आज जो बात कर रहा हूं, इसका तुम्हें छोटा सा, देखो अभी तुम लोग इतने लोग हो फिलहाल, अभी जो लोग भी करेंगे तो उनको लिखने का मन करेगा, और उनको ये मन करेगा कि मेरे को चेक करना है, तो मेरे को अगर आप 10-10 पे सॉरी एक एक पेज का, डेढ़ डेढ़ पेज का अगर मेरे को दे दो चेक करने के लिए, तो अभी 25-30 पेज मेरे को पढ़ने को मिल जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तुम अभी छोटा लिख के मेरे को चेक कराने का है, तुम अभी लिखो, लिखना अपने को बड़ा, चेक कराने के लिए मेरे को छोटा वाला एक पार्ट दे देना, कहां देना है, कैसे देना है, ये मैं तुमको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, कल एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक चीज, मैं एक टॉपिक दे रहा हूं, मैं दिमाग में सोच रहा हूं क्या लिखूंगा, एक क्या होता है कि हम लोग के यहां फालतू, क्योंकि तुमको अगर दिया 200 वर्ड में लिखिए, सपोज कीजिए, अब अगर तुम्हें लिखने आता है ना, तो 200 वर्ड कब शुरू होगा और कब खत्म होगा तुमको पता नहीं चलेगा, और वो 200 वर्ड में इतना अच्छा लिखने के लिए बोल रहा है कि वो तुमको खूब सारा मार्क्स दे दे, 70-80% मार्क्स दे दे। क्या होता है ना कि शब्दों के लिए फालतूपन को रोकना होगा, शब्दों के फालतूपन को। मैं कभी कभी पढ़ता हूं बच्चों को, मैं यहां पे ऑफलाइन में, तो वो कैसे शब्द बर्बाद करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये योजना शुरू की, अब वो कैसे लिखते हैं, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर उन्होंने ये लिखा नरेंद्र मोदी, अब अगर वो लिखे आवर ऑनरेबल दो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, अब उन्होंने 6 या 7 वर्ड दे दिया जो सिंपली मिसयूज ऑफ वर्ड्स हैं। जब तुम्हारे पास 200 वर्ड है, उसमें तुमने 5 वर्ड फालतू के बर्बाद किए,
आवर पीएम अगर एक साथ लिखते, आवर लिखते और पीएम लिखते, छह वर्ड एक साथ एक जगह पे लिख रहे हैं हम लोग, और उससे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगर मैं लिखता हूं, क्या मतलब है? तुम सम्मान के लिए तुमको ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, तुम्हारे विचारों के लिए लिख दिया जा रहा है वो, तुम्हारे थॉट को एनालाइज करने के लिए दिया जा रहा है, ये नहीं कि तुमको ऑनरेबल और प्राइम मिनिस्टर लॉन्च दिस प्रोजेक्ट ऑन 17 नवंबर फलाना 2020 इन गांधीनगर गुजरात, यूजलेस पूरा सेंटेंस, लेकिन क्या इफेक्ट कि 200 में से 12 वर्ड चला गया। तुमसे ऑब्जेक्टिव नहीं मांग रहा है, तुम्हारे थॉट का एनालिसिस चाह रहा है, सिंपल आवर प्राइम मिनिस्टर, बस इतना ही। इकोनॉमी ध्यान रखो और तुम अपना कंसंट्रेशन उसके एनालिसिस पे रखो, ना कि इस तरह के शब्दों में अपना, इस तरह के वर्ड्स को लिख के अपना शब्द का लिमिट बर्बाद करो। इसीलिए क्या होता है, कभी किसी को लिखने आता है ना, 200 वर्ड में बोल दो, बोलता है कि ये तो बहुत कम है, वो इतना क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल लिखता है ना, सेंट्रीफ्यूगल है, आए बाएं कुछ कुछ का कुछ लिख दिया, भर दिया उसने। अपने आप को जो भी लिखना है टू द पॉइंट, और ये तुम्हारे को लिखने के लिए बोल रहा, तुम कोई एक्सपर्ट नहीं हो यार, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा विचार तुमसे पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है कि तुमको ऑनरेबल आता है कि नहीं, और डेट याद है कि नहीं याद है, ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव में डेट पूछेगा किस जगह पे लॉन्च हुआ था, तुमसे तुम्हारा विचार पूछ रहा है। तुम ट्राई करना, ट्राई करना, लेट मी इन चीजों को मैं कंटिन्यू करूंगा, इसका अलग अलग एस्पेक्ट्स मैं डील करूंगा। ठीक है, इस बात को लेके भूपेंद्र हम लोग सबको ही परेशान हैं। लॉकडाउन लगाना जरूरी है क्योंकि बिना लॉकडाउन के लोग सुनेंगे नहीं, और इकोनॉमी जितना लॉकडाउन लगेगा इकोनॉमी उतनी ही नीचे गिरेगी। कलाम ये तो है ना, या अगर ये टॉपिक टफ हो गया फिलहाल अभी, ये प्रोसेस करना, मेरे को लगता है कि हम में से सब कोई ये बात कर रहा है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है, जितना लिखना चाहो लिखो ना भाई। हाँ, इसको लिख के रखो, तुम पढ़ लो, अच्छा लगेगा, और ऐसा टॉपिक दिया है कि जिसमें तुम सब लोगों को आइडियाज तो होगा, तुम सब लोगों को आइडिया है कि क्या है, सब लोगों को आइडिया होगा, लिखिए जितना लिखना है। मंसूर मैं देखता हूं कुछ टॉपिक्स मैं बना लेता हूं, आज आज बनाना पड़ा, सोचना पड़ा है। चलो वरुण ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा इजी अगर करते हैं, हो सकता है कि ये टफ हो, मैं इसको अभी रखता हूं। इसको रोक दीजिएगा, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बनाते हैं, जो ही ये टॉपिक रहेगा। ये मेरे को बहुत पसंद आता है।
थोड़ा सा ही लिखना ये देशभक्ति क्या होता है। कोशिश ऐसा कर रहा हूं कि टॉपिक ये कहीं किताब में ना मिले। देशभक्ति है क्या? कल के लिए कलाम वही वाली बात है। आपके साथ मेरे थॉट को आप भी एग्री करोगे, इसको जरा डिफाइन करो तो व्हाट डू यू मीन। ये वाले को मैं इसको बनाता हूं कुछ टॉपिक्स, देखना। और वो पोस्ट कब करना है, मेरे को देना कैसे है, कब देना है, वो मैं नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं। अपना जो काम है ना आप लोगों के साथ, मैं बहुत खुश हूं। देशभक्ति क्या होता है ये मैं वरुण आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं तो इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहता हूं कि क्या मैं देशद्रोही हूं देखते हैं। चलिए डिफाइन कीजिएगा, लिखिएगा और कल नए एस्पेक्ट के साथ एक एक करके आप सब चीजों को मैं डील करूंगा। सी यू देन। चलिए थैंक यू। खुश रहिएगा सब लोग अच्छे से, एंड अभी अभी सेफ रहने की जरूरत है। कल मिलते हैं फिर टाइम पे। थैंक यू।